चार्जिंग का पोर्ट नहीं मिला अभी तक। यार एक ही है भाई, यहाँ पे मान लो बंदे दो अलग अलग हो, ये वाला चार्जिंग का पोर्ट तो दो बंदे अलग अलग हो तो कैसे पहचान बनानी पड़ेगी। बाकी दोनों कैसे नींद आ रहे, मजे में सो रहे हैं दोनों। कोई नहीं, देखो बस दो लोग उठे, बाकी तो सारे सो ही रहे हैं। बाकी यहाँ चाय वाय पी सकते हो, अकेला पूरी बस में यही बंदा जगा हुआ, बाकी सारे सो रहे हैं। ये है अपनी बस, तो हम सीधा बस में आ गए हैं और बस से हमने स्टार्टिंग करी है। तो ये भैया सीटें तो सही है, सेमी स्लीपर के टाइप की, और ये अपने वाली बढ़िया लग रही है भाई, ठीक है। ऊपर भी स्पेस है, कंबल भी दे रहे हैं साथ में। और बाकी फिलहाल हम घर से आ गए थे, ऑटो ऑटो किया हमने, और ऑटो करके मजनू का डील आ गए थे। एक्चुअली लक्ष्मी हॉलीडेज की बुक करी हमने बस, जो हमें ले जाएगी भीड़, तो वही ऑटो कर लिया था हमने। धनंजय ऑफिस से मेट्रो पे मिल गया था मेरे को। बाकी फिलहाल कंडीशन तो ठीक लग रही है, भीड़ के लिए यही वाली बस है अपनी, 6:30 वाली। टाइम हो चुका है देखो 6:15, और 5ABCD, चार लोग हैं हमारे साथ, मतलब हम चार लोग हैं, तरुण, सतवंत और धनंजय, जैसे मैकलॉडगंज वाली सीरीज में आपने देखा था। तो फिर ठीक है, जर्नी की शुरुआत करते हैं। तरुण भी वहाँ आ गया, उसकी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है एक्चुअली, भाई वो भी आ रहा है। बाकी देखते हैं कि यहाँ पे अगर सामान एडजस्ट हो जाएगा ना अपना, तो यहाँ कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर नीचे डालते हैं भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी समय से है, हम 15 मिनट पहले हैं बिफोर, अभी टाइम तो लगेगा 10-15 मिनट। और ठीक है, भीड़ का ये ट्रिप एक सोचा हुआ था बहुत समय से, हमने कहा चलो आप ये टाइम मिला, इस बार ये भी कर लेते हैं। चलो सेमी स्लीपर हैं सीटें, अभी ये उठेगी, बाकी देखते कौन सी काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही। तो सूरत हाल ये है बस का फिलहाल, और सामान अब यहाँ पे जाने वाला है अपना सारा, काफ़ी स्पेशियस है, बंदा भी सो के चला जाएगा आराम से। इस तरफ से बस आइए, कहीं होती है इनकी गोडाउन, और ये बस अपने पीछे खड़ी हुई है देखो। चलो जी, 70 से आपको बस दिखा दिया, और मास्क मैंडेटरी है, मास्क लगा के रखा। तो जी ये लगा दी भैया ने पर्ची, और ये मिल गया हमें इस तरह से, और ये सामने रख दिया। थोड़ा बहुत तो गंदा हो गई कोई बात। चल रहे साथ में, पक्का चलना है ना। इन्होंने मतलब ऑन टाइम है, 6:30, मतलब 6:30 देखो मजनू वटीला से निकाल दिया बस। इधर लक्ष्मी हॉलीडेज का यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, बस एकदम उसके सामने खड़ी थी बस। और एक बार भाई साहब, भाई सारे साथ में, भाई अपने भाजी साथ में, भाई दो भाई इधर भी है साथ में। जरूरी है भाई, इस बार थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट है, मैकलॉडगंज वाले से बाद में भी चेंज करते रहेंगे आपस में। ये भी लगा लो, इसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यार मजाक उड़ा रहा, ठीक है भाई कोई बात नहीं। चलो ये भी है वैसे, ठीक है यार, ठीक ठाक है, मतलब सीट्स वगैरह ठीक है, पहाड़ के हिसाब से ही है, मतलब ठीक है, स्पेशियस है। बाकी नीचे सेमी स्लीपर है, तो वो मतलब पैर को सपोर्ट देने के लिए भी सही है। ये वेंट है यहाँ पे देखो, एकदम अच्छी खासी जनरेटर वाली हवा आ रही है, हो सकता है किसी चीज से आ रही है, कोई धुली हो या सूखी ना हो उससे आ रही है, ऐसी आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो एंटरटेनमेंट होने वाला है, तो एंटरटेनमेंट भाई यही करेगा। चार्जिंग का पोर्ट नहीं मिला अभी तक। यार यही है यहाँ पे, मान लो बंदे दो अलग अलग हो, ये वाला चार्जिंग का पोर्ट, तो दो बंदे अलग अलग होंगे तो कैसे एडजस्ट करेंगे। मान लो जैसे हम तो जान पहचान तो कर लेंगे भाई वहाँ से, तो अलग हो कैसे करेंगे, बस ये पहचान बनानी पड़ेगी। क्योंकि पिछली बार जब लास्ट टाइम में ना सेंटर में थी एक चार्जिंग पॉइंट, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी 7:45 हो गए और अभी पहुँच गए, ये पेट्रोल पंप है और कश्मीरी गेट का, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के शायद गेट नंबर 4 के पास ये पेट्रोल पंप है, ये वाला 3 या 4 नंबर ऐसे गेट था, वहाँ पहुँच गए और टाइम अभी पूरा, मतलब 7 बजे का टाइम इसलिए दिया कि 15 मिनट फिर ये टाइम लगता है। देखो यहाँ पे सामान वगैरह चढ़ रहा लोगों का, मेट्रो गेट है ना गेट नंबर 3, यहाँ पे बाकी लोग चढ़ गए। अच्छा हाँ, गेट नंबर 3 के थोड़ा सा आगे आइए बस, तो सिविल लाइन से एक्चुअली कट लेते थे IP कॉलेज होते हुए यहाँ आए। चलो फिर 7 बजे गए, 10 मिनट में निकाल, थोड़ा ज़्यादा आगे है। ओके जी, 7:05 पे निकल गई है कश्मीरी गेट से, ये पेट्रोल पंप के पीछे थी, सामान वामान जो लोड करना था वो लोड कर दिया, बाकी बस अब पूरी तरह से बैठ गई है। अब थोड़ा सा बस में लोग आ गए हैं, अब कुछ ही सीटें खाली पड़ी हैं बस, बाकी बीच में एक स्टॉप हो गया है ये 9:30-10 बजे के आसपास, मूर्थल, वहाँ देखते हैं मूर्थल या फिर पता नहीं, इसमें शिवा लिखा होता है, शिवा ढाबा है, पता नहीं कौन सी, चलो देखते हैं। चलो पहुंच के देखते हैं बाकी।
कार रुक जाएगी। ये 500 ml की है। ठीक है भैया ने बता दिया, ब्लैंकेट मार रखा है। ठीक है भैया, ये दो सीटों पे एक ही है। ठीक है, दो सीटों पे एक ही है। ये बोतल ठीक है, 500 ml की। बाकी कंबल रखे यहाँ ऊपर, और हम यहाँ पर मार्केट मार्केट के लिए बाकी वीडियो अपना आ चुका है, वही चेक कर। हो गई जी बस है पीछे अपनी, और 8:30 हो गए हैं, और रोका इसने शिवा ढाबे पे, और कह रहा 30 मिनट का ब्रेक है, डिनर ब्रेक है, तो ऑर्डर करते हैं बढ़िया से हल्का खाने का, मतलब दाल रोटी टाइप का कुछ खाने का, गरम गरम रोटी दाल, मतलब मज़ा ही आ जाए ऐसा कुछ खाने का। इधर बैठेंगे, इधर बैठो। चलो फिर, और ठीक हो? चलो फिर करते हैं ऑर्डर। ये मेन्यू ठीक है यार, अच्छा खासा है, थोड़ा सा रेट ज़्यादा है वो। ये देखो ये पूरी थाली 320 की, ये प्लेन रोटी 25 रुपये की। चलो बैठते हैं, कुछ खाते हैं, ऑर्डर ऑर्डर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दाल भी बढ़िया, पाजी ने मैंने निकाल के दिए, बहुत ही बढ़िया। ओके जी, 9 बज चुके हैं, जैसा उसने हमें टाइम दिया था 9 बजे, और निकल गए खाना वाना खा के। खाना है मेरे ख्याल से तो बढ़िया लगा, मेरे को बहुत बढ़िया था, दाल बहुत सेक्सी लगी, मतलब दाल बहुत बढ़िया थी एक्चुअल में। गाड़ी दाल थी जैसी चाहिए होती है हमारे पाजी की, जैसे हमें दाल चाहिए होती ना वैसी दाल थी भाई, मज़ा आया खा के। बाकी रोटी बढ़िया थी, रोटी के ऊपर जो घी था ना वो बहुत, हाँ एक्चुअल में घी था वो, बटर नहीं था, मामूल बटर नहीं था, घी था। तो जिस समय हुआ 3:05, एक वॉशरूम ब्रेक लिया है इसने, छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक है 10 मिनट का एक वॉशरूम ब्रेक लिया, सेकंड ब्रेक है ये पूरी बस का। अभी यहाँ से लगेंगे हमें 4 घंटे और, चलो वापस चलते हैं। अभी तो नींद भी तो ऐसी आई थी, बस टूट टूट के आ रही है, किस्तों में आ रही है, किस्तों में नींद आ रही है, नींद ही नहीं आ रही है, किस्तों में भी नहीं आ रही है, वाला ऐसी आ रही है, मतलब पूछो तो पिछली बार सफर छोटा था तब मजे में नींद आई, मजे में बहुत तगड़ी आई नींद, बार ऐसी आ रही है किस्तों में। क्या चाय भाई भी पी सकते हैं, कह रहा हूँ सीट कंफर्टेबल नहीं है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है कर रहे हैं काम, चला रहे हैं। बाकी दोनों कैसे नींद आ रही है, मजे में सो रहे हैं दोनों, कोई नहीं। अरे देखो बस तो 2-4 लोग उठे हैं, बाकी तो सारे सो ही रहे हैं, बाकी यहाँ चाय भाई पी सकते हो। जगह पता देखो मोटा करके जगह, पूरी बस में यही बंदा जगा हुआ है, बाकी सारे सो रहे हैं। चला गया मंदिर, हाँ शिवलिंग वही रहा, हाँ ये दोबारा पिछली बार, पहले बार पांडवों ने बनाया था मेरे, हाँ उसके बाद फिर कोई राजा आया उसने बनवाया पिछली बार। अच्छा, काफी पुराना बना हुआ है, कई रहस्य छिपे हुए हैं। हाँ मान्यता है, दूर से आते होंगे लोग, दूर से आते होंगे, मान्यता है शिवधाम है, इसका पता नहीं है कहाँ तक लिंक है इसका, कहाँ तक का है। अच्छा, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए हैं, अच्छा हैं। लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिली।
तो इस समय हो चला है 8:10 और हम उतर चुके हैं पीर। और ये कोई जगह है, इस जगह पे उतरे और बस लगी हमारी यहाँ पे। बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्यारी जगह है। पहुँच गए एग्जैक्ट 8:00 और निकल रहा अपना सामान, सामान उठा लेते हैं अब। लापाई और अंकल को थैंक यू, थैंक यू सो मच अंकल मिलते हैं हमें ठीक ठाक पहुंचाने के लिए। और सामान अब खाली हो गया, सबसे आखिरी में हमारे ही बैग थे भाई। और चलो आओ, चलो वॉक करते हुए चले। तो जी 700-800 meters का डिस्टेंस है यहाँ से हमारे हॉस्टल का, जो हमने बुक करवाया। बाकी जाके देखते हैं वहाँ पे क्या होना है, क्या नहीं होना, मिलता है कि नहीं मिलता है। मतलब मिल तो जाएगा, पर चेक इन का टाइम थोड़ा सा ना डिफरेंट है, उनका थोड़ा लेट का है, हम थोड़ा जल्दी उतर गए। और उतरते ही मौसम ना बहुत ही प्यारा सा लग रहा है यार, मतलब उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, वो चुभन सी बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा मौसम हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट वेदर है, सुकून है। ये देखो इंतज़ार कर रहा है क्यूट सा। बाकी रोड चलता हुआ रोड है, तेज़ी से आ रहा है ट्रैफिक, थोड़ा सा साइड से ही चल रहा पास ही, अब 600 meters के आसपास, 650-600 meters के आसपास रह गए। वॉक करते हुए जा रहे हैं और यहाँ तो ठीक है, ऐसे ही जाना चाहिए। टैक्सी 100 rupees मांग रहा था, मतलब तो जहाँ से हम उतरे तिब्बतन कॉलोनी शायद वो, वहाँ से वो हॉस्टल के 100 rupees मांग रहा था। बट कोई नहीं, हम तो वॉक करते हुए जा रहे हैं, सीधा ही रोड जाएगा ये वाला। यार आ गया सुन ली है। अच्छा हाँ, जी 8:15 पहुँच गए। वैसे तो हमारा टाइमिंग है चेक इन का 12:00 और अभी हमें आ गए हिप हॉस्टल में, हिप हॉस्टल बीर। तो अभी जैसे बात हुई हमारे यहाँ के मैनेजर कह लो या करता धरता कह लो, जैसे बात हुई भैया का नाम नहीं पता हमें, उन्होंने कहा रिलैक्स करो आप आराम से इस रूम में और मैं क्लीन करवा के आप करूँगा आपको देता हूँ। तो उसमें हमने बंक बेड लिए एक्चुअली 4, तो बुकिंग है, उन्होंने कन्फर्मेशन तो कर दी है कि बुकिंग हमारी नाम से है, मतलब 4 लोगों की। तो बाकी फॉर्मेलिटीज़ बाद में करेंगे, फिलहाल तो इधर रिलैक्स होकर बगल में वॉशरूम है, आप उसको इस्तेमाल करो और अपना फ्रेश हो जाओ, जो सुबह के कार्यक्रम है वो तो चालू करो। तो ठीक है, फिर रूम में चल के ना आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ये वाला वीडियो तो यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे हमने चेक इन वगैरह करने का रूम का, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और बाकी ठीक है, अभी तो खान है थोड़ी सी ना, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने का जब एनर्जी आएगी ना तब फिर अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे हम क्या क्या करने वाले हैं और यहाँ क्या क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए तो यही है, बाकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना। पूरी रात जगे हैं, नींद तो आई नहीं बस हम दोनों को दो बंदे बड़ा तगड़े तरीके से सोए हैं तो और कमेंट करके बताना अपने थॉट्स जो भी हो। और मिलते हैं किसी और वीडियो में और उमंग के साथ अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तो आप सभी को नमस्कार।